शहर में बेतरतीब काटी गई कॉलोनियां बसाहट के बाद रहवासियों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है। रहवासी आए दिन मूलभूत सुविधाओं के लिए नगरपालिका और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। मंगलवार को ऐसा ही एक कॉलोनाइजर की शिकायत जनसुनवाई पहुंची। कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने बताया कि वह मांगरूल रोड निवासी होकर यहां गायत्री स्कूल के समीप कॉलोनी काटने के दौरान जो मंदिर और बगीचे के लिए जगह छोड़ी गई थी वह अब कॉलोनाइजर अनियंत्रित उपयोग में ले रहा है, जो नियम विरुद्ध होने के साथ ही रहवासियों के साथ छल के समान है। महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कॉलोनाइजर ने हमें सड़क, नाली, गार्डन, मंदिर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की शर्त पर प्लाट विक्रय किए थे, लेकिन बार बार आग्रह करने के उपरांत भी अभी तक किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हमेशा आश्वासन देकर ही कॉलोनी वासियों को लुटाया जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि प्रशासन मामले में हस्तक्षेप कर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही कॉलोनी के नक्शे में तय की गई जगह पर बगीचा एवं मंदिर निर्माण कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ये श्याम भैया के पास ये जमीन नहीं दे रहे वो, और मंदिर का बोला था उनने तो दे नहीं रहे मंदिर, और ये हमको चाहिए यहाँ पे जगह, गार्डन और मंदिर की जगह चाहिए। बोला था आपको वो, हमको 15-20 साल हो गए से, वो दो बार हुआ है उनके घर, हाँ बोला था फिर मना कर गए। उनने बोला था कि गार्डन वगैरह दे नहीं रहे, नहीं वो दे नहीं रहे, तो आप और हमको चाहिए ये मंदिर और गार्डन की जगह सभी को मोल, हमको ये चाहिए बस उनसे। वल्लभ नगर गली नंबर 7 में रहते हैं, विगत 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं। हमारे कॉलोनाइजर ने कहा था कि यहाँ पे रोड, ड्रेनेज व्यवस्था, मंदिर, गार्डन सभी की व्यवस्था की जाएगी और सभी कुछ दिया जाएगा, लेकिन आज तक इतने सालों के बाद भी ना मंदिर है ना गार्डन है। बच्चों के खेलने के लिए बच्चे इधर उधर खेलते हैं, उनका भी हमको डर लगा रहता है। कॉलोनी पूरी यहाँ से वहाँ तक खुली हुई है। क्या मांग करते हैं? हम बस वही मांग करते हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, कि यहाँ पे ड्रेनेज व्यवस्था होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। ये जरा सा टूटा फूटा मंदिर है और इतने से मंदिर में सारे लोग पूजा करते हैं, एक एक के बाद एक, वन बाय वन पूजा करते हैं यहाँ पे। और जब कोई त्योहार रहता है, जब पर्व रहता है, जब यहाँ इतनी भीड़ लग जाती है कि यहाँ लोग कुर्सियों पे बैठते हैं बाहर। क्या नाम है आपका? चंदावती भावसा। अगर गली नंबर 7-8 मांगरू रोड से बोल रहा हूँ। ये श्याम पूनमचंद बड़ोले से जो हमने ये प्लाट खरीदे थे, ये समय हो गया इसको 24-25 साल से ऊपर। उसने जब कॉलोनी काटी थी उस समय उसने बोला था कि मंदिर, गार्डन की जगह जाऊंगा और नाली, ड्रेनेज वगैरह की पूरी व्यवस्था करके जाऊंगा, मगर आज तक ना नाली है ना ड्रेनेज है और ना मंदिर की जगह है ना गार्डन की जगह है। और ऐसा सुनने में आया है कि मंदिर और गार्डन की जगह जो है वो गार्डन की जगह उसने किसी को बेच दी है, इतना सुनने में अभी आया है। तो हमने आज कलेक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि इसकी जल्दी से जल्दी मांग की जाए, मंदिर और गार्डन की जगह हमको दी जाए। ये हमारी कॉलोनी है वल्लभ नगर में, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, बहुत साल पुराना, मतलब 20-25 साल हो गए इस मंदिर को। यहाँ पे जब कॉलोनी कटी थी तब श्याम बड़ोले जी ने, मतलब ये कॉलोनी काटी थी, उनने ये कहा था कि यहाँ पर मतलब रोड, नाली और गार्डन और ये मंदिर दिया जाएगा, लेकिन आज तक मतलब 25 साल में आज तक ना कोई नाली बनी है, ना रोड बना है और ना मंदिर है। मंदिर भी एक छोटा सा टूटा फूटा है और गार्डन भी नहीं है, और आज पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जगह बेच दी गई है या वो बेचने का विचार कर रहे हैं। आप इससे पहले कभी उनसे मिले? हाँ, हम बहुत बार उनके पास गए भी थे, सब लेडी से इकट्ठे होके गए थे, उनसे बात विचार किए हैं कई साल तक, मतलब उनको 2-3 साल से बोल रहे हैं उनको, लेकिन वो हाँ हाँ करते करते कोई जवाब नहीं देते हैं। अब क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर नाली और रोड की व्यवस्था की जाए और यहाँ पर मंदिर और गार्डन भी दिया जाए। क्या नाम है आपका? रानी पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।